देश में, सुनिए ना सर, इस देश में हजारों साल से दलितों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, वो तो नहीं देश छोड़ के भाग जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये आपका कहना गलत है, ये गलत है, ये हाँ ये वो गलत चीज है। दिल्ली में मुसलमानों पर दंगा हुआ, उनकी संख्या कम है, वो तो नहीं भाग जाते, नहीं भाग जाते आप लोग, डर के भाग, डर के भाग नहीं, पेशेंस है। हर साल 32,000 दलित समाज की हत्या होती है जाति के नाम पर इस देश में, वो तो नहीं भाग जाते हैं देश छोड़ के, आप लोग क्यों अपना जमीन छोड़ के कैसे भाग रहे हैं? अब आपको मैं यही तो समझाने वाली बात कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निस्संदेह दर्शक। इस समय मैं जंतर मंतर पढ़ूं, जहां कश्मीरी ब्राह्मण का मसला जो है आप सुनते होंगे हमेशा, जब भी हिंदू मुसलमान का कोई बात आता है तो कश्मीरी मुसलमान का मसला आता है। वो लोग जम्मू कश्मीर इंटरनेशनली डिस्प्लेस्ड फोरम इन एसोसिएशन विद जम्मू कश्मीर रिलीफ सेल आर ऑर्गेनाइजिंग हल्ला बोल। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ है। तो आप भी कश्मीर के थे? हाँ जी बिल्कुल, कश्मीरी पंडित हूँ। कब कश्मीर छोड़ना पड़ा? 90s में। क्यों छोड़ना पड़ा? इसके पीछे मतलब बहुत ही एक गहरा संबंध है इसमें, जो कि अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में भी बताया। ये सब मतलब वहाबिज्म के बारे में है, मुसलमान पूरे वर्ल्ड में चाहता है कि बस मुसलमान आगे रहे। अब उन्होंने हमें वहाँ पे, क्योंकि हमारी आवाज़ थी, हम वहाँ रहते थे और हम भारतीय थे, पैट्रियोटिक, तो वहाँ पे उनका ये था कि इस्लामाइजेशन ही हो जाए। और कितनी आबादी थी आप लोग? हमारी तो लगभग 6-7 लाख है, आज की डेट में 32 साल हो गए हम सारे हिंदू भारतवर्ष के हैं, उनके साथ मिले हुए हैं। आपकी उस समय वहाँ आबादी? हमारी आबादी 6-7 लाख की है, 6-7 हाँ वहाँ थी। हाँ जी हाँ जी। कितने लोग वहाँ से निकल गए? सारे निकल गए आज की डेट में, ऑन पेपर जो मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो ऑन रिकॉर्ड है 4,000 से लेके 4,500। तो ये सरकार का, अब क्यों सरकार तो आप लोग की है, कट्टर हिंदुओं की सरकार, अब क्या दिक्कत? नहीं, हम कट्टर हिंदू कभी नहीं रहे, अगर हम कट्टर हिंदू होते तो हमने भी वहाँ गन उठाया होता और रिटेलिएट किया होता, लेकिन हम में पेशेंस है, हमारा वहाँ निकलना एक ही, मैं आपको बताऊँ 90s में उन्होंने सारे लाउड स्पीकर, जैसे ये लाउड स्पीकर पे अपनी अजान देते अल्लाहू अकबर, लेकिन उस दिन उन्होंने पूरा जान के 90 में ये लाउड स्पीकरों से आवाज आई, 19 जनवरी की कुछ ऐसा ही डेट था, तो उस समय इन्होंने 11 बजे रात को लाउड स्पीकरों से थ्रू आउट कश्मीर कोने कोने से आवाजें निकाली। उस समय आप लोगों की 5-6 लाख आबादी थी? बिल्कुल। और सारे के सारे लोग डिस्प्लेस हो गए? बिल्कुल। तो क्यों? कारण वो मैं बताऊंगा, वही बताने जा रहा था। उस समय नारा ऐसा आ गया, बहुत से नारेबाजी होगी रात के 11 बजे उनके लाउड स्पीकरों से, उसमें एक नारा ऐसा आया, पंडितों भागो, पंडिता इनको छोड़ के। अब आप अपने माध्यम के जरिए ये बताइए लोगों को, क्योंकि 32 साल हो गए सरकार को समझते कि आखिर ये क्या कारण है वहाँ के मुसलमानों ने पंडितों को भगाया। लेकिन सर दंगा तो हर जगह होता है, लेकिन मुसलमान तो कहीं से छोड़ के भाग नहीं जाता है, आप लोग क्यों भाग रहे हैं जमीन छोड़ के? आपको मैंने यही बताया, पंडितों भागो पंडिता इनको छोड़ के, इससे क्या आपको समझ आता है? ये तो एक इज्जत वाली बात है ना। और इस दिल्ली में दंगा हुआ था, दिल्ली में मुसलमानों पर दंगा हुआ, उनकी संख्या कम है, वो तो नहीं भाग जाते? नहीं भाग जाते आप लोग, डर के भाग? डर के भाग नहीं, पेशेंस है हमें। आपको ये भी मैं बताऊं कि ये कैसे मारते हैं, वो भी आप सुनिए मेरी बात। इन्होंने 1300-1400 पंडितों को मारा, और ये नहीं कि चलो गोली लगा दी मर गया ठीक है, लेकिन इन्होंने ऐसे ब्रूटली मारा, आंखें निचोड़ी, हाथ पांव काटे। वहाँ पे एक टेलीकम्युनिकेशन में एक इंजीनियर काम करता था, किसी ने बोला ये मुखबिर है, ये पाकिस्तान न्यूज़ भेजता है, तो ये हिंदुस्तान भेजता, पाकिस्तान की न्यूज़, कश्मीर की न्यूज़, वो चढ़ उस बताया गया उसको कि हाँ जी। आप भी उसी में से भाग के आए? मैं भी आपके नहीं, आप मेरी बात पहले सुनिए, क्योंकि मीडिया कभी कभी गलत भी होता है। मैं गलत है। मैं कह रहा हूँ मतलब आप भुक्तभोगी हैं या आपके पेरेंट्स थे? पेरेंट्स मैं भी हूँ, आप मुखबिर की बात नहीं है ये।
भुक्तभोगी कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ कि ये सब आपने अपनी आंखों से देखा है या आपके पर? अपने आंखों से नहीं देखा, मैं उससे पहले ही निकल गया था, लेकिन आपने देखा नहीं। इतनी अच्छी बात बताइए सर, इस देश में सुनिए ना सर, इस देश में हजारों साल से दलितों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, वो तो नहीं देश छोड़ के भाग जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये आपका कहना गलत है, ये गलत है, ये हाँ ये वो गलत चीज है सर। हर साल 32,000 दलित समाज की हत्या होती है जाति के नाम पर इस देश में, वो तो नहीं भाग जाते हैं देश छोड़ के? आप लोग क्यों अपना जमीन छोड़ के कैसे भाग रहे हैं? अब आपको मैं यही तो समझाने वाली बात कर रहा हूँ, क्यों ना भागे? उन्होंने अगर मारा भी, आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, उन्होंने एक औरत को ऐसे मारा, पहले उसको रेप किया गया, फिर उसके बूब्स काटे गए, फिर जो लकड़ी चीरने वाली मशीन होती है उसमें दो हिस्से किए, आप बताइए दलित और इसमें कौन सा है? अभी तो हाथरस में सर एक लड़की का लोगों ने, राजपूतों ने रेप कर दिया, उसको जिंदा जला दिया, FIR तक नहीं हो रहा था, उसके बाद भी वो दलित फैमिली वही टिका हुआ है, नहीं भागा। यही तो विडंबना है, उसको भी मुसलमान नहीं किया सर, वो सब जाति के नाम वहाँ पे होता। आपको नहीं लगता आप लोग भाग आए, डर के भाग आए? बिल्कुल डर के भाग आए, आप बताइए डर के भाग आए, आप बताइए क्यों ना भाग आते? डर के ही भाग आगे ठीक है, लेकिन हम उनके साथ डायरेक्ट वो नहीं करना चाहते थे कि हाँ भाई हम भी गन उठाएं और आपस में हम लड़ाई करेंगे। इस देश में यही हुआ है, जो लोग यहाँ राजा थे ना और जो समाज में ऊपर थे, मुगलों के सामने सरेंडर किया, अंग्रेजों के सामने सरेंडर किया। इस देश में हजारों साल से दलित लड़ते आ रहे हैं, लेकिन वो कभी भागे नहीं है, इस देश कहीं छोड़ के जमीन नहीं भागे, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके पास आवाज़ भी नहीं है। कश्मीरी पंडित के नाम पर सालों से मैं सुनते आ रहा हूँ, ये आपके माता पिता आए होंगे कश्मीर छोड़ के? बिल्कुल, आप दिल्ली पैदा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो ये देखिए, ये उनकी दूसरी जनरेशन है जो इस लड़ाई को आगे बढ़ा रही है, और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। तो ये देखिए, ये कश्मीरी लोग हैं जो आपको दिखा रहे हैं, और ये देखिए ये तस्वीरें देख लीजिए, ये देखिए आप, भारत माता की जय। तो ये कश्मीरी प्रधानमंत्री, बीजेपी सरकार, ये बीजेपी से क्या दिक्कत है? होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी से क्या दिक्कत है? बीजेपी सरकार से हमारे ये दर्जा है कि आज से 30 इयर्स, जिसपे हमने पूरी हमारी जिंदगी 70 साल से आफ्टर 1947, कि हमें पूरा भरोसा है कि बीजेपी सरकार तो हमारे पास कुछ तो फार कश्मीरी कम्युनिटी के लिए, हिंदूज के लिए, क्योंकि दिस इज द ओनली पार्टी जो हमको लगता था कि ये पार्टी कुछ करेगी। लेकिन आज आफ्टर 2014 से जब बीजेपी सरकार आ गई, उससे पहले हम वोट देते गए जो भी बीजेपी सरकार को, दैट वो हम तो सेटिस्फाइड थे कि नहीं जी बीजेपी सरकार। धर्म की वजह से आप लोग बीजेपी को वोट देते गए? बीजेपी सरकार को वोट देते गए सिर्फ धर्म की वजह से? धर्म की वजह से नो, धर्म की वजह से हमने कांग्रेस को भी पहले वोट दे स्टार्ट तो कह रहे हिंदू होने के, वो बीजेपी की सरकार को हमने, क्योंकि उसके बाद जो क्लाइमेटिक ये चीज़ें हो गई वहाँ पर, हमने सोचा कि बीजेपी सरकार इज द पार्टी जो हमको ये कुछ, जो बार बार हर सिनेरियो पे हर किसी पे बताते थे कि नहीं जी वी विल डू समथिंग। 2014 से आज तक सिर्फ पे कुछ नहीं है, ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं क्या मोदी जी ने? अभी तो मुझे बताइए कहाँ पे कौन अभी जा नहीं पा रहे, आप बताइए कैसे सेटलमेंट सर? नोटबंदी लागू कर दिया 370, वो बहुत हाईनेस है बीजेपी सरकार, वो चलो नोटबंदी वो कर गई, लेकिन जो कम्युनिटी हमारी आइसोलेट हो गई है उसके लिए कोई रिहेबिलिटेशन के लिए कोई सोच ही नहीं रहा। सरकार आप लोग क्यों कश्मीर छोड़ दिया? आप लोग जाके क्लेम क्यों नहीं करते हैं कश्मीर? कहाँ पे किसके पास करें क्लेम? आपका जमीन था, आप क्यों छोड़ के भागा? कहाँ वहाँ आने दे रहे हैं वहाँ पर? वो वहाँ पे करने देते, सारी गवर्नमेंट इनकी है, जो भी है डिपार्टमेंट जो भी है वो सारे यही बैठे हुए हैं वहाँ पे, कोई ऐसे कोई यही लोग बैठे हैं जो हमारे कोई काम। कितनी आबादी थी जब आप लोग कश्मीर छोड़ा? उस टाइम 5 लाख की थी, 5 लाख उस वक्त थे कश्मीरी माइग्रेंट जो वहाँ से उस वक्त बाहर होके आए, और 5 लाख आज से 30 साल तक बताइए कोई जॉब कोई नौकरी नहीं स्टेट। ये 5 लाख लोग थे, तीसरी जनरेशन है ये, और ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और सोचिए सालों से दलितों पर अत्याचार हो रहा है, वो लड़ाई नहीं लड़ रहा है। आप भी कश्मीरी हैं? क्या नाम है आपका? आप कहाँ भाग गए भाई साहब? डर लग रहा है? तो आप लोग मोदी जी के खिलाफ हैं? मोदी जी के खिलाफ नहीं है, हम ये चाहते हैं कि जो हमारे को 32 साल हो गए कश्मीर से हम यहाँ आए हुए हैं, जो हमारी डिमांड्स हैं, जो हमारा रिलीफ मिलता है वो हमारा 13,000 रुपये पर फैमिली मिलता है। तो कश्मीरी ब्राह्मणों को 13,000 रुपये पर फैमिली मिलता है दिल्ली में? हाँ बढ़िया, कांग्रेस दे रही थी?
कांग्रेस का अपने जेब से दे रही थी क्या? अरे सरकार दे रही थी ना, तो ये बीजेपी ने बंद कर दिया? बंद नहीं किया हुआ है, ये कम है, ये 10 साल पहले 13,000 दे रहे थे, और उसमें जो जैसे फैमिली बढ़ गई, 90 में माइग्रेशन हुई है, 90 में हमने 4 आदमी दिखाए, उसमें से कुछ आदमी मर गए तो पैसे कम हो गए। 13,000 रुपये अभी भी मिल रहे हैं आप लोग को हर महीने? हर महीने मिलते हैं, 13,000 में भी कम हो गया, क्योंकि जिसकी डेथ होगी फैमिली में, जो 1990 में जिनका नाम लिखा गया था, अब उनकी डेथ होगी तो पैसा कम हो गया। ये देखिए कितने ब्राह्मण, कश्मीरी ब्राह्मण होंगे दिल्ली और देश भर के दूसरे हिस्से में? होंगे करीब 7-8 लाख ब्राह्मण है। सबको मिलता है 13-13? नहीं नहीं, इसको सबको नहीं मिलता, जो गवर्नमेंट मुलाजिम थे उनको नहीं मिलता है, जो वहाँ पे बिजनेस करते थे या जिनका कोई काम नहीं था, जो खेती करते थे उनको मिलता है। तो सोचिए ये लोग दूसरा जनरेशन है, कश्मीरी ब्राह्मण है, इनके बाप दादा जो हैं वो कश्मीर से निकल के आए थे, और इनको 13,000 रुपये का 13,000 रुपये हर महीने इनको मिलता है रिहैबिलिटेशन के नाम पर। आप सोचिए, सोचिए इस देश में 2000 सालों से दलितों पर अत्याचार है, आदिवासियों पर अत्याचार है, लेकिन उनको एक रुपये नहीं मिलता है। आप समझिए कि कौन होशियार है। दलित नहीं भागा, ये भाग है, ये लोग हमेशा सत्ता के साथ रहते हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।